नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल यूपीएससी लाल रिजल्ट में स्वागत है। शिक्षा विभाग के समस्त शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के मानव संपदा पर उपलब्ध विवरण से संबंधित प्रमाण पत्र के संदर्भ में, तो एक प्रमाण पत्र मिला लिया जाएगा। अब क्या प्रमाण पत्र है, क्या लिख के देना हो, इसके बारे में भाई साहब ये वीडियो है। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और कल एक बहुत मज़ेदार बात हुई, कल मज़ेदार बात ये हुई कि कल हमने एक वीडियो डाला था माध्यमिक शिक्षा की, रात को वही 12 बजे मैंने शूट किया, उसको डाला। और माध्यमिक के सामाजिक विषय की कुछ वैकेंसी मतलब लिस्ट आई थी रिजल्ट वाली, ठीक है। उसके बाद भैया जब सुबह उठ के देखा तो हमने देखा 8-6 सब्सक्राइबर कम हो गया। मैंने तो कहा बाप रे ये क्या हो गया, लोगों को पसंद नहीं है लगता। चलिए वो बात की बात है, हमारा काम है सूचनाएं देना। चलिए देखते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मियों के मानव संपदा पर उपलब्ध विवरण से संबंधित प्रमाण पत्र के संबंध में, चलिए पढ़ देते हैं। जिसमें माध्यम से 20 फरवरी 2021 तक समस्त शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मियों के मानव संपदा उपलब्ध विवरण के संबंधित निम्नलिखित 4 बिंदुओं को पटल हेतु प्रमाण पत्र मानव संपदा पोर्टल पर प्रेषित किया जाना था। ऑल माय सबॉर्डिनेट सैलरीड पर्सनल एज अ टीचर शिक्षा में तनुदेशक अनुसार हैव बीन असिस्टेड ऑन मानव संपदा एंड सर्विस बुक ऑफ ईच एम्प्लॉय हैज बीन वेरीफाइड। नंबर वन बात करने का मतलब है, जितने भी आपके सहायक लोग हैं, टीचर हैं, शिक्षा में तनुदेशक हैं, सबकी जो है मानव संपदा पे वेरीफाई हो चुकी है, वो पास क्या बोलते हैं पासबुक नहीं सर्विस बुक। चलिए आगे चलते हैं, ठीक आगे। ऑल द अबव पर्सनल एक्सपेक्ट रिटायर एट डिसीज हैव चेक देयर डिटेल ऑन मानव संपदा, मतलब सभी लोग जो हैं एक्सपेक्ट रिटायर और जो ख़त्म हो गए हैं उनके ला सभी ने चेक कर लिया। ऑल एम्प्लॉय हु हैड रिपोर्टेड सर्टन इन देयर मानव संपदा हैज़ बीन रीड्रेस्ड एट द ब्लॉक लेवल एंड रिक्वायर करेक्शन डन, मतलब जिन्होंने बताया था कि हमारा गड़बड़ हो गया है उसको सुधार दिया गया है ब्लॉक स्तर से कि नहीं, ठीक है। दिनांक 26 जुलाई 2021 से 28 जुलाई 2021 तक आहूत बैठक में मानव संपदा पर उपलब्ध विवरण से संबंधित प्रमाण पत्र की यथास्थिति की भी समीक्षा की जाएगी। उक्त प्रमाण पत्र से संबंधित निम्न 4 बिंदुओं के अंतर्गत शिक्षकों की संख्या भरते समय या विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि इस अवधि में अधिकतम विद्यालयों में नए शिक्षकों की ज्वाइनिंग करने तथा शिक्षकों के स्थानांतरण व सेवानिवृत्त के फलस्वरूप शिक्षकों की संख्या में बदलाव हुए होंगे, अतः मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से उनकी यथोचित रिलीविंग या ज्वाइनिंग कराते हुए सही एवं प्रमाणित संख्या भरते हुए प्रमाण पत्र सबमिट करें। उक्त से संबंधित यह आदेश किसके लिए, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए आदेश है भाई, ये ठीक है। उक्त सभी संबंधित सहायता प्राप्त विद्यालय और शिक्षक को अतिरिक्त समस्त सक्रिय कर्मचारियों की संख्या 9 चयनित शिक्षकों की सम्मिलित करते हुए प्रमाण पत्र को समाहित 26 जुलाई 2021 से 28 जुलाई के पूर्व अनिवार्य रूप से अपलोड कर लॉक करना सुनिश्चित कर दें भाई। तो ये आ गया है, 26 जुलाई लास्ट डेट है, तो आज तो यार 23 हो ही गई है। चलिए क्या है मैटर है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या करना है। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा है, और हो सकता है कुछ देर बाद आदेश आ जाए कि स्कूल लेवल का आ जाए कि कैसे क्या करना है, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा वीडियो, अगर आपको बात मेरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।